गुड मॉर्निंग। 5 फरवरी हुआ है, मेरा काम चालू। आज मैं अलग थोड़ा सा सब्जेक्टिव और थोड़ा सिद्धांतिक वर्क बताऊंगा। सिद्धांतिक आर्ट में सिद्धांत भी होता है और आर्ट में रूल्स भी होता है। स्टडी के लिए तो खास इसमें आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग जो पढ़ते हैं उसके लिए तो खास होता है, दोनों चीज़ को इम्पोर्टेंट होता है। पेंटिंग तो है ऑलरेडी, वो तो उसके माँ बाप है, इससे हम दूर नहीं भाग सकते, यही तो उसकी जड़ है, मेन जड़ है। किंतु ये लोगों का ये बेस है, वो फंडामेंटल ऑफ आर्ट, इसमें एलिमेंट आता है और फंडामेंटल आता है। एलिमेंट के साथ उसको आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि एलिमेंट समझेगा तो परफेक्ट डिजाइन बना सकेगा, और एलिमेंट नहीं समझेगा तो नहीं, डिजाइन में उसका हवाई हो जाता है। एलिमेंट से ये सब स्टार्ट है। देखो आर्ट सब में है, आर्ट कहाँ नहीं है वो सबसे अननोन लोगों का समझने का काम है। नॉलेज वाले और जो कुछ इंजीनियर आर्किटेक्ट और मेडिकल कहाँ भी ड्राइंग की आवश्यकता पहली है, बाद में सब कुछ वो सिद्धांत है। ड्राइंग उसका एलिमेंट है, इसके सिवाय वो उसकी डिजाइन की क्वालिटी नहीं समझ सकेगा। तो ये मैं जो कह रहा हूँ वो फैक्ट बात है, इसमें बाप तो बाप ही होता है ना, बेटा चाहे इतना बड़ा ग्रेजुएट हो जाए तो बाप के छोड़ के वो कहाँ जाएगा, बाप को छोड़ के कहाँ जाएगा। मैं ठीक है, मैं जो अभी बता रहा हूँ वो सिद्धांत के हिसाब से काम कर रहा हूँ। इसमें एलिमेंट और प्रिंसिपल दोनों चीज़ें हैं, दोनों मिल के फंडामेंटल आर्ट बनता है। फंडामेंटल बेस आर्ट का है, यहाँ एक प्रोफेशनल को ब्रिलियंट बनाता है। जो प्रोफेशनल करना चाहते हैं, अच्छा डॉक्टर बनना, अच्छा इंजीनियर बनना, सबको बहुत प्रश्न होते हैं डॉक्टर में क्या है, तो डॉक्टर में 40% है, आर्किटेक्ट में क्या है, आर्किटेक्ट तो लगभग 80% से ज़्यादा है। ड्राइंग साइंस ये सब साइंस जो बना रहा हूँ वो साइंस सबसे ज़्यादा होता है, और इंजीनियर में भी इतना ही है। प्लान डिजाइन इसके बिना बनेगा ही नहीं, नहीं समझेगा नहीं जानेगा, उसके लिए हैरानी है। उसको बाजू में रखेंगे तो बाद में पछतावा भी होता है कि आर्ट में क्या है, आर्ट में उसका जन्म है और क्या है। आर्ट में पूरी दुनिया का सेंस है, जो समानता में जीते हैं उसके लिए आर्ट ही सब कुछ है, क्योंकि डिजाइन बिना कुछ नहीं। हम जंगली अवस्था में भटकते थे जहाँ तहाँ, जब ये सेंस आने लगी तब हमको सेंस हुआ कि आर्ट ऐसा बनता है। और सर्वात्मा हट्टी कहते हैं ना, आज हम दुप्पट पट्टी कहते हैं, ये हमारा बेज यहाँ से शुरू जीवन का हुआ है, हम इसे कैसे बोल सकते हैं। तो ये जो हटकी बात है वो समझने के लिए हैं, बेज हमारा कि हट का जन्म कैसे हुआ, हाँ हट किसने बनाया, हट के डिजाइन पहले किसने बनाया, कहाँ बनी, कैसे बनी। तो अभी तो ये सब आके लग उसमें से छटकने के लिए स्टोन का
और ज़्यादा बताते तो ये जगह पर ये स्टोन, एक जगह पर ये स्टोन, ऐसा स्टोन ट्राई किया है। हकीकत में स्टोरी अलग है, वो बता दो, मुझे उसका ऑब्जेक्शन नहीं है। स्टोरी ऐसी है कि जब जीवन ही वो आदिवासी हम कहते हैं जिसको ऐसा लाइफ था, अर्ली क्रिश्चियन आर्ट में आता है, आप स्टडी करो हिस्ट्री के तो पता चलेगा, जिसको यहाँ हम ट्राइबल कहते हैं और इससे आगे हैं, वो अर्ली क्रिश्चियन आर्ट में नोंद हैं उसकी, तो वो पढ़ो तो पता चलेगा कि हमारा पीरियड स्टार्ट का कैसा था, हम स्टार्ट में कैसे थे, वो पता चलेगा। जब तक हम नहीं स्टडी करेंगे तब तक नहीं, तो इसलिए ये जो बीच में बना रहा हूँ ये सब आर्टिस्ट के लिए तो हैं, मैं बोला ना सबका बाप एक है, सबका मालिक एक है और ये है आर्ट, इसे कभी कोई नहीं भाग सकता। कोई जीवन जीना है, मस्त जीवन जीना है, एक दिन एंजॉयमेंट जीवन जीना है, तो सुंदरता होनी चाहिए। सुंदरता कहाँ से जन्म लेती है, वो कहाँ जन्मी है, आर्ट में। इसका लाइफ सुंदर नहीं है, एंजॉयमेंट नहीं है, वो मेरे हिसाब से तो एक पशु जैसा ही जीवन जीते हैं, जो पशु में नहीं होता है। पशु में हमारे यहाँ छठे इंद्रिय हैं, उसको छ इंद्रिय काम नहीं करती, इसलिए वो पशु है। वो तो बहुत एस्थेटिक बातों में जाऊँगा, अभी मैं एक मैकेनिज्म में मैं क्या कर रहा हूँ वो दिखाने के लिए बात है। मैं जो ये कर रहा हूँ एक ऐसा प्रस्पेक्ट जिसको कहते हैं ना, मेन सिद्धांत, सिद्धांत है ये, प्रिंसिपल है आर्ट का, प्रिंसिपल। बाद में आएगा कॉन्ट्रास्ट, जो अलग अलग हैं सभी, वो हिसाब से मैं अभी आज प्रिंसिपल में, मैं प्रिंसिपल नॉट प्रिंसिपल सॉरी इंग्लिश में गड़बड़ होता है, हमारे यहाँ सिद्धांत सबसे अच्छी बात होती है। सिद्धांतिक जीवन भी होना चाहिए, सिद्धांतिक आर्टवर्क भी होना चाहिए, सब ऐसा हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये फर्स्ट कोटिंग की बात हुई ना, ये फर्स्ट पूरा हुआ, प्रथम मेरा जो कलर का बेस से पूरा हुआ, यहाँ कलर बेस को पूरा करते हैं। बाद में सेकंड में हम फोम में आएंगे, जो पहला कलर प्रस्पेक्ट के साथ, पहला प्रस्पेक्ट के साथ कलर, बाद में आएगा फोम, आएगा फोम साथ कन्वर्ट आएगा, लाइटिंग आएगा, शेड आएगा, शेड एंड लाइट सब मिलके फंडामेंटल होता है। और प्रिंसिपल फाइव छः, अंदाजे छः के फाइव प्रिंसिपल हैं, इसका जैसी गिनती, क्योंकि मैं तो गिनती से नहीं चलता ज़्यादा, तो मुझे ब्यूटीफुल लगना चाहिए, सब्जेक्ट न्याय होना चाहिए, उस हिसाब से चलता हूँ। तो अभी ये मैं आपको एक काम पूरा करके सेकंड स्टेप में, तो फर्स्ट स्टेप मेरा काम पूरा हो गया, तो